गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में आपका बीए पार्ट थर्ड ईयर में यूनो टॉपिक चल रहा था और उसमें हम पढ़ रहे थे कि सुरक्षा परिषद किस प्रकार से जो है यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है और यूएनओ के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है यूएनओ में पांच महाशक्तियों का वीटो पावर उन्हें प्राप्त है और किस प्रकार वो परिषद की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो अब हम परिषद की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ते हैं और यही हमारा टॉपिक लास्ट क्लास में चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम परिषद की कार्यप्रणाली को पढ़ते हैं कि परिषद की कार्यप्रणाली किस प्रकार से है। तो देखिए, सुरक्षा परिषद में जो है प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक एक प्रतिनिधि रहते हैं और इस परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य जो है उपस्थित रहते हैं। तो देखिए, इसमें सुरक्षा परिषद में प्रत्येक राज्य का एक एक प्रतिनिधि एक एक प्रतिनिधि संघ के मुख्य कार्यालय में बना रहता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए नौ मतों की आवश्यकता होती है। नौ मतों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसके साथ ही अन्य सभी इसके अतिरिक्त अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए नौ स्वीकारात्मक मतों के साथ ही यह भी आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद के
सुरक्षा परिषद की पांच स्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हो। प्रत्येक स्थायी सदस्य को सदस्य को सभी महत्वपूर्ण विषयों में निषेधाधिकार यानी वीटो प्राप्त है। वीटो प्राप्त है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भी महत्वपूर्ण है कि कोई सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है तो वह परिषद की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो देखिए, इस प्रकार से सुरक्षा परिषद में हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य का एक एक प्रतिनिधि संघ के मुख्य कार्यालय में बना रहता है और प्रक्रिया संबंधी सभी मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। आपको पता है सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि चार्टर में संशोधन के द्वारा सदस्यों की संख्या पहले 6 थी वो बढ़ाकर 10 कर दी गई है। तो इस प्रकार 15 सदस्य होते हैं और इसके अतिरिक्त अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ यह भी आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य उस निर्णय से सहमत हो। तो यदि किसी भी मामले में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम निषेधाधिकार या वीटो शक्ति कहते हैं, जो कि 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, और ब्रिटेन, ये यूएनओ के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो की शक्ति प्राप्त है।
और किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर यह पांचों सदस्य यदि कोई भी एक जो है इनमें से वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है तो वो जो है प्रस्ताव वहीं रुक जाता है, वो पारित नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रत्येक स्थायी सदस्य को महत्वपूर्ण विषय में वीटो शक्ति प्राप्त है। कोई सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है वह परिषद की कार्यों में भाग तो ले सकता है लेकिन उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता कि वह सदन में परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान में उसे भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है और यदि वो किसी महत्वपूर्ण विषय में वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं तो सदन में वो प्रस्ताव वहीं रुक जाता है, वो पास नहीं हो पाता। तो इसलिए और इसमें से हम देखते हैं कि प्रक्रिया संबंधी मामलों में 9 मतों की आवश्यकता होती है। तो इसके साथ साथ ही सभी महत्वपूर्ण मामलों 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ ये भी आवश्यक है कि पांचों स्थायी सदस्य उससे सहमत हो अर्थात उन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया हो। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं कि सुरक्षा परिषद का कार्य एवं क्षेत्राधिकार क्या है। तो देखिए कार्य एवं क्षेत्राधिकार, तो देखिए कार्य एवं क्षेत्राधिकार। तो देखिए प्रमुख रूप से विश्व शांति एवं सुरक्षा इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक बहुत से
संगठनात्मक विषयों में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी शक्ति प्राप्त है। नए राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना महासचिव का चयन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि ऐसे सभी कार्य जो वो महासभा से मिलकर करती है। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का निर्णय स्वयं करती है। यद्यपि महासभा उसके संबंध में चर्चा एवं सिफारिश कर सकती है जहां तक शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्णयों को
लागू करने का प्रश्न है, उस संदर्भ में का प्रश्न है उस संदर्भ में केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करती है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व शांति एवं सुरक्षा को करने का प्रमुख कार्य सुरक्षा परिषद का है, और ये अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषयों में इसे कानूनी और बाध्यकारी शक्ति प्राप्त है कि यदि इसने कोई निर्णय दे दिया है तो वो उस सदस्य राष्ट्र को मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से कानूनी और बाध्यकारी शक्ति से ये संस्था युक्त है, और नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि ऐसे सभी कार्य वह महासभा से मिलकर कर सकती है, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में वह स्वयं निर्णय करती है, जिसमें कि वह महासभा से उस संबंध में चर्चा एवं सिफारिश कर सकती है महासभा, लेकिन जहां तक शांति एवं सुरक्षा संबंध निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है, उस संदर्भ में केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शांति एवं सुरक्षा इसका महत्वपूर्ण कार्य है, और ये अपने आंतरिक मामलों में बिल्कुल ही स्वतंत्र संस्था है, अपने आंतरिक मामलों में किसी भी का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती। ये अपने आंतरिक मामलों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है शांति एवं सुरक्षा संबंधी, उन पर यह स्वयं जो है अपना निर्णय सुनाती है, और उसके विरुद्ध वह कठोर कार्रवाई भी ये संस्था स्वयं करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, और शांति एवं सुरक्षा जो है करना वो इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए, आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से परिषद के चार तरीके हैं कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने में परिषद जो है महत्वपूर्ण चार तरीके अपनाती है, वो हम देखते हैं कि परिषद के चार तरीके क्या हैं। देखिए, परिषद के चार तरीके,
तो देखिए अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए निपटाने के लिए के लिए सुरक्षा परिषद निम्नलिखित निम्नलिखित चार तरीके अपना सकती है। अपना सकती है तो देखिए चार तरीके क्या हैं। सर्वप्रथम संबंधित राष्ट्रों को पत्र व्यवहार एवं वार्ता के लिए प्रेरित कर सकती है। अगला है द्वितीय पंचों मध्यस्थों और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णयों का सुझाव रख सकती है। अगला है तीसरे में प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकती है। चौथा है आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्रवाई
कर सकती है। सैनिक कार्रवाई कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेनाएं नहीं है, नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्रवाई के लिए उसे सदस्य राष्ट्रों की सेनाएं प्राप्त हो जाती है। तो देखिए इस प्रकार से परिषद जो है महत्वपूर्ण चार उपाय हैं, उसके द्वारा परिषद जो है अपने महत्वपूर्ण निर्णय जो है इन चार तरीके के द्वारा कर सकती है।